निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत 5 स्थानों पर श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर योजना के तहत मेडिकल स्टोर संचालित हो रहे हैं। विधायक देवेंद्र यादव और महापौर नीरज पाल की पहल से छठवां श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर सेक्टर 9 अस्पताल परिसर में जल्द ही शहरवासियों को मिलेगा। इसके लिए मेडिकल स्टोर का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, जिसका निरीक्षण निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने किया। उन्होंने कहा कि कार्य की गति में तेजी लावे और 10 दिनों के भीतर मेडिकल स्टोर से संबंधित कार्य को पूर्ण किया जाए। आने वाले समय में टाउनशिप इलाके में आवश्यकता और मांग को देखते हुए अन्य सेक्टरों में भी श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती। देखिए, शासन के मंशा रूप जो सस्ती दवाई है और गुणवत्तापूर्ण दवाई है, वो जो है श्री धन्वंतरी मेडिकल योजना के तहत में मेडिकल स्टोर से मिल रही है। और नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र में अभी 5 मेडिकल स्टोर इसके खुल चुके हैं, जहां लोग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसी तारतम्य में जो डिमांड है और जो ज़रूरतों को देखते हुए और मेडिसिन आम जनता तक पहुंचाने के लिए कम कीमतों में गुणवत्तापूर्वक, इसको ध्यान में रखते हुए जो है सेक्टर 9 में अस्पताल धन्वंतरी मेडिकल स्टोर जो है वो खोला जाएगा। इसकी तैयारी का जायजा माननीय आयुक्त महोदय ने लिया है और 10 दिनों के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। सर, टाउनशिप में पहला धन्वंतरी मेडिकल स्टोर है, क्या आगे और भी योजनाओं के तहत क्या अन्य सेक्टरों में भी जहां जरूरत पड़ेगी वहां खोला जाएगा? देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सेक्टर 9 का अस्पताल है वो बहुत बड़ा अस्पताल है। उस परिसर में लोगों को जैविक मेडिसिन का लाभ मिलना, जो क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ पे आते हैं और अस्पताल में इलाज कराते हैं, अपना उपचार कराते हैं और उनको दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, तो इसको देखते हुए जो है जेनरिक मेडिकल स्टोर जो है वो काफ़ी अच्छा रिस्पांस उसका मिलेगा, वहाँ पे लोगों को इसका लाभ मिलेगा। ये सोचते हुए जो है सेक्टर 9 अस्पताल परिसर में अभी प्रारंभिक रूप से धन्वंतरी मेडिकल स्टोर खोलने की तैयारी है और आगामी जहाँ अस्पताल ऐसे पड़ेगी उसको जो है जैसे भी योजना होंगी उसके माध्यम से फिर आगे प्लानिंग की जाएगी।